हम आए हैं यहाँ पर खाना खाने, और ये देखिए हमारी मैडम कितनी मस्त तैयार होके आई है आज। सो चलिए अंदर चलते हैं हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में। और मैडम खाना खाने आ गए बाहर, शादी में गए थे ना आप तो। सो गाइस हुआ ये है कि हमें ना हीना के फ्रेंड के वहाँ पर गए थे, बहुत बढ़िया वगैरह था, बट है ना मैं वहाँ पर किसी को जानता नहीं था। सो मेरे को ना आ रही थी शर्म, ठीक है। और वहाँ पर है ना ऐसा है कि उनके कल्चर के अकॉर्डिंग लड़का और लड़कियों का खाना अलग अलग रखा था, जो कि बहुत सही है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें, पर मैं वहाँ किसी को जानता नहीं था तो मुझे आ रही थी शर्म। अब मैं वहाँ पर खाना प्लेट उठाई और किसी ने आके मुझे पूछा कि भैया आप कौन, तो मुझे बोलना पड़ता। हम एक्चुअली साइंस की तरफ से सर, साइंस की तरफ से, इसलिए। और हीना अलग थी फिर वैसा, तो मुझे शर्म आ रही थी, तो मैंने कहा हीना से कि आप अपने फ्रेंड से मिल लो अच्छे से, एंड देन हम लोग फिर चल निकलेंगे यहाँ से वैसा, क्योंकि यार मेरे को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। तो वो लोगों की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब कुछ अच्छा ही था, बट प्रॉब्लम मेरी थी। अब शादी में तो नहीं खाना था, और वैलेंटाइन डे के जिस दिन पोपट होके सब जगह आए थे, आज अपना वैलेंटाइन डे मना रहे। आप अपना वैलेंटाइन डे मना रही हो? हम ठीक है, हम मना रहे हैं। ओके, मैं कल आया हूँ डिनर करने। मैं तो खाना खाने रोज आ ही जाता हूँ, मान लो ना मैं वैलेंटाइन डे। हाँ ठीक, खाना आ चुका है हीना का, मेरा भी खाना लग चुका है, चलिए अब खाते। दासी कभी देख सकता नहीं। देखने आ गए, 20 में हो गई है, 5 मिनट लेट है, जा रहे जल्दी जल्दी। Hey guys, good morning, what's up? So, आज हम finally वापस से हमारे vlogging style पे आ चुके हैं। बहुत दिनों से ढंग से vlog नहीं किया था, so सोचा करते हैं। फिर दिनों के बाद मेरी मम्मी ने मेरे को decide किया चाय देने का, नहीं तो मेरे को चाय से कट ऑफ कर दिया गया था, और मैं भी चाय नहीं पी रहा था बहुत टाइम से। बस बस मम्मी बस इतनी ही। हमारे घर में देखिए जो कप है ना, वो एकदम ऐसा लगता है बाहर की चाय है। गोड़ी बार हनुमान, आज सैटरडे है, शिवरात्रि है, सो चलिए हनुमान जी के मंदिर जाके आते हैं, वहाँ पर शिव जी भी, देखते हैं आज कैसा वहाँ पर माहौल है। जय भगवान, प्रसाद मिल गया है हमको, अभी हम बाहर जा रहे हैं। मम्मी अभी भी हनुमान चालीसा बोल रहे हैं। ये मेरे मम्मी काच के मंदिर गए थे, आधे घंटे के ऊपर के बाद आए, जैसे भगवान प्रसन्न करके आए हैं। बोलो तो भगवान मान गए कि नहीं माने? ये क्या है? इसको है ना, भोलेनाथ है ना, वो पीते थे ना, वो भांग है। कहा भांग पी रहे हो, फिर नशा चढ़ जाएगा तो? नहीं, किसने बोला? तो लाओ दो तो, कैसी टेस्ट करती है? कब से जल रहा है? शाम की चाय मैंने बनाई है, चाय बन के ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, अब मम्मी और पापा को सर्व करते हैं। और पापा अभी बड़ी मुश्किल से नौकरी पे से आए हैं, मतलब ड्यूटी पे से आए हैं, सो उनको अभी थोड़ा चाय चाहिए ताकि वो रिफ्रेश हो जाए। पता नहीं यार माउथ क्यों फंबल मार रहा है इतना। आशा करता हूँ आप लोगों की शिवरात्रि अच्छी गई होगी। आज हम जाने वाले हैं शायद झांझरिया हनुमान, जैसा सैटरडे ट्रेडिशन होता है, सो वो प्लान है। बाकी आज कुछ नहीं है इतना प्लान हमारा, एकदम सिंपल स्वीट, घर पे रहना है, एंजॉय करना है, रिलैक्सिंग डे है हमारा, क्योंकि बहुत दिनों से काम 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 पैसा चल रहा था, मतलब व्लॉग्स वगैरह एडिट करना, और भी मैं एक पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, वो सब। सो वो सब हम आपको फ्यूचर में रिवील करेंगे।
पापा और मम्मी की चाय रेडी हो चुकी है और एकदम मस्त सनसेट हो रहा है। चलिए चलते हैं, पापा और मम्मी को होपफुली चाय पसंद आए। सबसे पहले मम्मी शॉप पे है, उनको देके आते हैं। लो मम्मी, मम्मी आज का मेरा सारा प्लान लाइक पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। सो अभी मैंने क्या डिसाइड किया है कि मैं खाना बनाऊंगा, ठीक है। सो आज पापा आ रहे हैं घर पे ड्यूटी से शाम को, रात को, वॉट एवर यू कैन से इट। और मेरे बाल ऐसे हैं क्योंकि मैं अभी अभी बस नहा के, अभी अभी तो नहीं बट थोड़ी देर पहले नहा के आया हूँ। सो आज हम बना रहे हैं स्प्राउट्स की सब्जी, मतलब बोलते हैं चने वगैरह जो मिक्स होता है ना, कल ये दिखा पाओ आपको, ये जो मिक्स होता है ना, मिक्स, हाँ, इसकी सब्जी बना रहे हम। सो या दैट्स द प्लान फॉर, सो या वही प्लान है। बहुत बढ़िया सब्जी बनाता हूँ मैं इस चीज की, आज आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सो व्लॉग में बने रहिए। कुकर लगा दिया है सीटी मारने के लिए, मेरे को ऐसे तो कोई अटेंशन देता नहीं है, तो जब ये कुकर मेरे को सीटी मारता है तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ पर बड़ा बड़ा ऑनियन चॉप कर लिया है, पूरा ऑनियन काट लिया बड़ा बड़ा। वही अपना नॉर्मली तेल ले लीजिए, फिर उसमें राई, जीरा, हींग, हल्दी डाल दीजिए, पहले उनको अच्छे से पकने दीजिए प्याज के साथ और फिर आगे की प्रोसेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर मैंने हल्दी, सॉरी क्या बोलते, और यहाँ पर मैंने प्याज, सॉरी, और यहाँ पर मैंने लहसुन, अदरक और मिर्ची का पेस्ट बना के रख दिया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये ऑलरेडी कटिंग होके सब कुछ पड़ा है, टमाटर हम बाद में कटेंगे जब तक हमारा ये सब रेडी होता है। तो हल्का सा हिला लीजिए ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें मैंने डाला है जीरा, जीरा, सरसों और थोड़ा सा हींग, मस्त फ्लेवर आएगा। अगर आप लोग ये सीड्स यूज नहीं करते तो यूज करना स्टार्ट कर दो और टेस्टी होते हैं, और इनका, इनमें बहुत विटामिन एंड प्रोटीन एंड वो सब होता है। तो दो चम्मच, एक चम्मच अपने खाने में जरूर लिया कीजिए जब ऐसे पड़ाके होने लगे प्याज वगैरह। ठीक है, मैंने सबको साथ में डाल दिया है क्योंकि अच्छे से मिक्स हो जाएगा, टेंशन नहीं है ज़्यादा, ठीक है। और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्पैचुला है, इससे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। मैंने बड़ा बड़ा प्याज काटा है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बड़ा बड़ा प्याज, और जलता भी नहीं है, ठीक है। अब इसको अच्छे से पकने दें, ठीक है। और ये जो सीड्स है ना वो यूज़ किया कीजिए, बहुत अच्छे होते हैं, मतलब हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा ही है। मेरा खाना बनाने का स्टाइल थोड़ा रॉ है, तो मैंने अभी इसके अंदर अपना क्या बोलते हैं, लहसुन, अदरक और मिर्ची का पेस्ट डाल दिया है, साथ में हल्दी मिक्स कर दी है। और इसको मस्त अच्छे से हिला लेते हैं ताकि पक जाए अच्छे से सब कुछ। देखिए प्याज तो ऑलरेडी सॉफ्ट होने लगी है, तो इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है अपने को, मतलब मस्त पकाना है। प्याज इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट इस खाने में, इसलिए उसको अच्छे से पकाना पड़ेगा। चलिए पका लेता हूँ। तो मेरे ना तौर तरीके थोड़े अलग है। सो मैंने क्या किया है, टमाटर लिया है, इसको बड़ा बड़ा काट दिया है। अब मैं इसको डाल रहा हूँ चॉपिंग, इसमें चॉपिंग बोलते हैं इसको, चॉपिंग चॉपर जो भी बोलते हैं, चॉपर मतलब हेलीकॉप्टर नहीं, ये वाला चॉपर, ठीक है। और ये पक रहा है यहाँ पर हमारा, थोड़ा जल गया लग रहा है, इसको थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है, और कम कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जल गया मुझे ऐसा लग रहा है, पर ठीक है कोई बात नहीं, मैं सब कुछ पका देता हूँ। तो ये भी पका दिया। एक्चुअली क्या है, हमारा नॉन स्टिक का जो नीचे वाला हिस्सा है ना, उसका नॉन स्टिक वो जो होता है ना, वो पूरी तरह से चला गया है, तो थोड़ा सा नीचे जल गया है, पर ठीक है चल जाएगा, मैं उसको घिसूंगा नहीं ज़्यादा। अगर मैं उसको घिसूंगा तो खाने में जलने का फ्लेवर आएगा, तो मैं अगर उसको घिसूंगा ही नहीं तो खाने में जलने का फ्लेवर नहीं आएगा। ये देखिए हम थोड़ा सा जल गया है, पर ठीक है कोई बात नहीं, बन जाएगा खाना अभी। गाइस मेरे को लग रहा था जल गया है, पर जला नहीं था, सिर्फ मसाला नीचे चिपक गया था। तो अभी देखो एकदम मस्त ग्रेवी बन रही है अपनी,
अब इसमें हम डालेंगे स्प्राउट्स जो ऑलरेडी वहाँ बॉयल होके पड़े। मेरे किचन को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, आज थोड़ा गंदा है क्योंकि सुबह से बिजी था मैं, इसलिए थोड़ा बहुत। और आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी शिवरात्रि। तो बाद में मैंने डाल दिए स्प्राउट्स, टमाटर अच्छे से मिक्स हो गया था, सब कुछ मिक्स हो गया था। देखो थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है, ठीक है, कितना बढ़िया सब्जी का वो आया है, टेक्स्चर आया है। हमारे में ना क्या, हम लोग वो मिर्चा फिरचा इतना डालते नहीं है, ये जो लाल मिर्च वगैरह है ना वो इतना मैं डालता नहीं हूँ। तो देखिए कितना बढ़िया मस्त बन के आ गया फ्लेवर एकदम। हाँ अब इसको टेस्ट करेंगे, दिख तो अच्छा रहा है, होपफुली अच्छा बना भी हो। थोड़ा सा ग्रेवी रखूंगा क्योंकि मैं चावल के साथ खाने वाला हूँ, पापा और मैं ही खाएंगे वैसे तो, क्योंकि हमारे घर में और कोई लहसुन प्याज वगैरह खाता नहीं है, मेरी बहन मेरे हाथ का खाना खाती नहीं है। तो फाइनली मैंने ये सब पका दिया है, जैसे मैंने आप लोगों को पका दिया है। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद भी अगर हमारे 200 व्यूज भी नहीं आते, मतलब मैंने 800 लोगों को पका के रखा है, सही है कि नहीं बॉस? भैया ये हमारा किचन है, थोड़ा सा गंदा हो रखा है, साफ करेंगे कल परसों इसको भी, मस्त। और कल के लिए मस्त एक प्लान बना था, बट अभी भाभी को थोड़ा काम आ गया है तो कल का प्लान कैंसिल है। तो देखते हैं कल क्या कुछ और सामान, कल और कुछ डिशम करते हैं हम लोग का, क्या है ना। ये बन गया हमारा सब्जी, चलो बंद कर देते हैं अब इसको। और अगर कभी आपका ये टूट जाए ना, मतलब इसका वो ये टुलूस में ऐसी रस्सी बांध के काम चलाने का, लेकिन हमने ना हमने इसका मस्त देसी जुगाड़ किया हुआ है, मेरे को लगता है ये हो गया ना बंद, मस्त अब सब्जी पकेगी और बढ़िया बन गई है सब्जी। अब टेस्ट करूंगा तब मैं बताऊंगा कैसी बनी है, ठीक है। हाँ ये वो गिफ्ट है मैं यूज कर रहा हूँ जो मेरे पापा के लाया था ना, तो आज पापा लेके आए तो अच्छे से यूज कर ले रहा हूँ। सब्जी बन गई है, पापा खाने के लिए आ चुके हैं ड्यूटी से, ठीक है अभी बस मम्मी आएगी रोटी बनाएगी और फिर हम खाएंगे। सो मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। चलिए अब हमारे घर पे रोटियां बनना शुरू हो गई है, सब्जी मैंने बनाई, रोटी मम्मी बना रही है। इसे कहते हैं मिल बांट के काम करना। यहाँ पर पापा अपना पता नहीं क्या क्या सुन रहे हैं, हाँ। और बस हमारे घर में अभी यही चल रहा है। और मेरी मम्मी का तो आज शिवरात्रि है तो वो तो खाना नहीं खाने वाले, मेरी बहन का भी शिवरात्रि है, सबका शिवरात्रि है मेरे और मेरे पापा के सिवाय। हमारे घर का प्रोसेस है, मम्मी वहाँ पर गरम गरम रोटियां बना रही है, हमारी यहाँ पर रोटियां आ रही है, पापा भी खाना खाने बैठ गए हैं। तो ये देखिए हमारा खाना लग गया है, बटर मिल्क, ये सब्जी, ये अचार, तो ये प्योर गुजराती खाना हम खा रहे हैं। बाहर सोनू चिल्ला रहा है कि अंदर आने दो खाना खाने दो।